हेलो यूट्यूब फैमिली, आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ, जैसे आप मेरे पीछे स्क्रीन में देख ही रहे होंगे, यूएई वैट लॉ। तो ये आप बहुत से जो मेरे व्यूअर्स हैं या जो मेरे वीडियोस देखते हैं, ये सोच रहे होंगे कि आज इंडियन जीएसटी को छोड़ के यूएई वैट लॉ के बारे में क्यों बताया जा रहा है। ये उन लोगों के लिए बहुत सा फायदा होने वाला है जो एक करियर बनाना चाहते हैं दुबई में या यूएई कंट्रीज में। जो यहाँ के प्रोफेशनल हैं, अकाउंटेंट हैं, जो यूएई में जाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि उनको 100% आना चाहिए वहां का लॉ, मगर उनको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि यूएई वैट लॉ काम कैसे करता है, कैसे वहां का फंक्शन है, क्या बेसिक क्राइटेरिया है वैट लगाने का। थोड़ा बहुत उनको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि अगर जब उनसे इंटरव्यू में सवाल पूछे, कोई यूएई वैट लॉ के बारे में सवाल पूछे, तो वो कम्प्लीटली ब्लैंक ना हो जाए, उनको कुछ आइडिया होना चाहिए। तो आज मैं जो वीडियो लाया हूँ, ये ऑफ टॉपिक आप बोल सकते भी या नहीं भी बोल सकते, क्योंकि है तो टैक्स के रिलेटेड, आप इंडियन टैक्स नहीं है, फॉरेन टैक्स के रिलेटेड है। तो जो भी अगर थोड़े बहुत इंटरेस्टेड है फॉरेन टैक्स के रिलेटेड, तो वो मेरा ये वाला वीडियो देख सकता है। जैसे आप मेरे स्क्रीन में देख रहे होंगे, यूएई वैट लॉ, अभी भी यूएई में वैट लॉ चलता है। वैट का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स। अब वैट का अगर थोड़ा हिस्ट्री में जाए, इसका ओवरव्यू जाए, थोड़ा हिस्ट्री में जाए, तो वैट पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था फ्रांस में। फ्रांस पहला कंट्री था जहां पे वैट इंट्रोड्यूस हुआ था 1954 में, और उसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी बढ़ गई कि ये बहुत से कंट्रीज ने इनको अडॉप्ट कर लिया। वैट जो है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। एक टैक्स दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। तो वैट जो है मोस्टली वैट का इनडायरेक्ट टैक्स है। थर्ड है, ये वैल्यू पे लगता है। जैसे आप 1 लाख का सामान बेचिएगा, तो 1 लाख के ऊपर आपका वैट कैलकुलेट करके आपको, जैसे 1 लाख का आपका सामान है, उसमें 5% वैट माने 5,000 रुपया, तो आपको जो प्राइस पे करना होगा 1,05,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। इसमें जो अल्टीमेट, इसमें इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जो गवर्नमेंट को जो टैक्स दिया जाता है वो मोस्टली होता है आउटपुट माइनस इनपुट। आपने जितना टैक्स कलेक्ट किया और आप जितना टैक्स दे रहे, दोनों को माइनस करके गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो बिजनेसमैन वाले को इसका इनपुट क्लेम मिल जाता है। फाइनल जो बर्डन होता है, जो फाइनेंस के स्टूडेंट, उनको इनपुट आउटपुट के बारे में, इनपुट टैक्स और आउटपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी के बारे में नॉलेज होगा, वो वैसे ही इनपुट वैट और आउटपुट वैट है। तो ये अल्टीमेट जो बर्डन होता है वो फाइनल कंज्यूमर के ऊपर होता है। अब बोल रहे होंगे, जो यूएई जो था, कंट्रीज था, ये मोस्टली जीरो डिपेंडेंट कंट्री है, माने इनका इकोनॉमी सिर्फ आपके वैट, इनके ऑयल बिजनेस पे चलता है। ऑयल प्रोडक्शन की वजह से इनका पूरा इकोनॉमी चलता है। मैं जैसे आपको पता होगा, अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो मोस्टली क्या हो गया है कि लोग अब इलेक्ट्रिक कार्स में शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे टेस्ला आ गया, इंडियंस में भी बहुत सी गाड़ी है, स्कूटर है, जो इलेक्ट्रिक कार में। और क्या हो गया, ऑयल का प्राइस ओवर द ईयर बहुत कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनकी इकोनॉमी को बहुत सफर करना पड़ रहा है, उनकी इकोनॉमी इसके बारे में बहुत सफर कर रही है। तो उन्होंने क्या सोचा है कि एक फॉरम, मतलब एक वैट लॉ लाए कि उनकी इकोनॉमी को बूस्टअप करने, क्योंकि उनकी इकोनॉमी 95% ऑयल पे डिपेंड है। 90-95% ऑयल का दाम, अगर ऑयल का दाम इंक्रीज होता है उनकी इकोनॉमी इंक्रीज हो जाती, ऑयल का दाम कम होता है उनकी इकोनॉमी कम हो जाती। तो वो चाह रहे थे कि ऐसा एक वैट लॉ हो जाए कि जिसकी वजह से हम लोग की इकोनॉमी क्या स्टेबल रहे। तो उन्होंने वैट लॉ लाया। जैसे हम लोग की यहाँ जो डिपार्टमेंट है उसको सीपीडीटी बोला जाता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सीबीडीटी बोला जाता है, जीएसटी डिपार्टमेंट को जीएसटी डिपार्टमेंट बोला जाता है, वैसे जो यूएई का डिपार्टमेंट है उसको एफटीए बोला जाता है, शॉर्ट में एफटीए, फेडरल टैक्स अथॉरिटी। ये वो डिपार्टमेंट है यूएई कंट्रीज में, जैसे दुबई वुबई में, आपके ये यूएई कंट्री में है। ये होता क्या है, ये वहाँ ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं टैक्स कलेक्ट करने के लिए। जैसे हम लोग यहाँ भी, जैसे हम लोग यहाँ भी जीएसटी रिटर्न होता है, यूएई में भी वैट रिटर्न होता है। उन्होंने अगर कोई वैट में, अगर वैट रिटर्न में कोई किसी ने कोई गलती की, तो पेनल्टी इंटरेस्ट भी लगाती है कंट्री।
तो फेडरल टैक्स अथॉरिटी वहां की एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है जो वैट लॉ को रेगुलेट करती है। अब दुबई में वैट रजिस्ट्रेशन का दो मेथड होता है, एक होता है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, एक होता है वॉरंटरी रजिस्ट्रेशन। अगर आपकी टैक्सेबल सप्लाईज, अगर आपका जो टर्नओवर है साल में 3,75,000 दिरहम से ज्यादा है, माने अप्रोक्स आप समझ लीजिए 75 लाख से ज्यादा इंडियन रुपीस में, 3,75,000 दिरहम से ज्यादा है, तो आपको वैट में रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है यूएई में। अगर आपका टैक्सेबल टर्नओवर, टैक्सेबल सप्लाई 1,87,500 दिरहम से ज्यादा है तो आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ये मतलब ऑप्शनल है, वॉलंटरी आप कर भी सकते हैं, मगर 3,75,000 दिरहम से ज्यादा तो आपको करना ही पड़ेगा। और वहां पे जैसे हमारे इंडिया में क्या है कि जो वैट के रेट से वो बहुत ही डायनामिक है, जैसे 5% है, 0% है, 1% है, 12% है, 18% है, 28% तक भी है। मगर यूएई गवर्नमेंट ने अपने वैट लॉ को बहुत ही सिंपल रखा है, सिर्फ 5% का उनका एक स्टैंडर्ड रेट है कि हम सिर्फ 5% ज्यादा वैट हम लोग कोई भी आइटम में नहीं लगाएंगे, और वो भी 5% सब में नहीं है, जैसे कोई मेडिकल सप्लाईज है जो माने जो नेसेसरी उसमें 0% है, 5% है आपके मतलब जो भी बेसिक आइटम्स हैं उसमें 5% है। आइए मैं बताता हूँ ये किसमें है। अब जी ये इनपुट टैक्स होता क्या, इनपुट टैक्स आप मेरे स्क्रीन में देख रहे हैं, इनपुट टैक्स होता क्या, इनपुट टैक्स होता है कि हम कोई अगर माने हम एक कंपनी है, मैं कुछ परचेस करता हूँ तो मैं जो जीएसटी पे करूंगा सामने वाले को, तो वो जो जीएसटी मेरे लिए इनपुट हो गया, मैं उस जीएसटी को अपने जब मैं सेल करूंगा तब मैं उसे एडजस्ट कर सकता हूँ। तो मैं वैट का इनपुट उसी टाइम ले सकता हूँ अगर मैं वैट में खुद भी रजिस्टर हूँ, अगर मैं वैट में खुद भी रजिस्टर नहीं हूँ यूएई में तो मैं वैट का इनपुट नहीं ले सकता। अगर आप दुबई में किसी को गिफ्ट दे रहे तो उसमें भी वैट लगता है, मगर वो वैट उस टाइम नहीं लगेगा जब जो आप गिफ्ट दे रहे हैं उसका जो वैल्यू है वो 500 दिरहम से कम होगा। 500 दिरहम से अगर आपका कम है तो आपके तो उसमें वैट नहीं लगेगा, उससे ज्यादा तो आप पे वैट लग जाएगा। टैक्स मैं तो जैसे आपको बोल रहा था कि वैट का रजिस्ट्रेशन 3,75,000 दिरहम से ज्यादा होगा टैक्सेबल सप्लाई, तो वैट रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। मगर सवाल आना चाहिए टैक्सेबल सप्लाई का मतलब क्या, माने टैक्सेबल सप्लाई किसको माना जाता है। टैक्सेबल सप्लाई मानने के लिए 5 कंडीशन आपको फुलफिल करना होगा। पहला, आपको कोई भी चीज का सप्लाई करना होगा, या वो गुड्स का हो सकता है या सर्विस हो सकता है, आप दुबई में कोई गुड्स भी सप्लाई कर सकते हैं या सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकेंड, आप जो गुड्स और सर्विस सप्लाई करेंगे वो यूएई में होना चाहिए, दुबई में होना चाहिए। थर्ड, फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए, माने आप किसी को कुछ दे रहे हैं आपको बदले में कुछ कंसिडरेशन मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। सप्लाई जो आप कर रहे हैं, आप टैक्सेबल पर्सन है, आपका टैक्सेबल आप पर्सन है। थर्ड, ये बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, अगर आप कोई पर्सनल रिलेटेड ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसमें वैट नहीं लगता। वैट का रेट जैसे मैंने बताया था स्टैंडर्ड रेट 5% है। अगर आप फूड ले रहे हैं, मोबाइल ले रहे हैं, जैसे अब आईफोन 13 अभी लॉन्च हुआ, आईफोन 13 अगर आप लेने जाइए 5% टैक्स आपको लगेगा यूएई में, 5% वैट। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, बैंकिंग यूज करते हैं यूएई में, तो आपको 0% टैक्स लगेगा, 0% वैट, 0% वैट का मतलब 0% वैट लगेगा। और अगर आपका एडुकेशन स्कूल में पढ़ाई करते हैं या कुछ मेडिसिन खरीदते हैं या गोल्ड खरीदते हैं तो एग्जेम्प्ट सप्लाई है। तो 0% एग्जेम सप्लाई में फर्क क्या है, एग्जेम सप्लाई में ना आप इनपुट ले सकते हैं, इनपुट आप क्लेम नहीं कर सकते, मगर जो जीरो रेटेड सप्लाई है, ऑल्दो इज जीरो रेटेड बट यू कैन क्लेम इनपुट, तो ये मोस्टली फर्क रहता है जीरो रेटेड और एग्जेम सप्लाई में। तो यूएई वैट लॉ है बहुत बड़ा, माने बहुत ही एक माने बहुत एक, एक बड़ा लॉ है, उसको एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो मैं कुछ पार्ट
मैं अभी ये वीडियो में लाया हूँ, और कुछ पार्ट अगर आपको ये फॉरेन टैक्स में आपको सही माने में इंटरेस्ट है, फॉरेन टैक्स के बारे में आप सही माने में जानना चाहते हैं, यूएई में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए, मेरे ईमेल आईडी है उसमें लिख के दीजिए, मैं यूएई वैट लॉ का जो सेकेंड पार्ट है वो मैं जरूर लेके आऊंगा। आप जो ये यूएई वैट का जो मैं ये टॉपिक लेके आया हूँ, ये आपको इंटरव्यू में बेसिक सवाल क्रैक करने में आपको बहुत मदद करेगा, और इसमें हो सकता है कि आप फॉरेन में जाके इसमें आपको दुबई वुबई में इसमें जॉब भी मिल जाए।